या अगर स्नान करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने अपने आप को पवित्र कर लिया। लेकिन दूसरी गंगा का नाम है श्रीमद् भागवती गंगा, और इसके लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, ये तो स्वयं चलकर हमारे गांव में, हमारे नगर में, हमारे मोहल्ले में और हमारे आसपास कहीं ना कहीं आ ही जाती है। गंगा जी में डुबकी लगाकर शरीर को हम पवित्र करते हैं, लेकिन भागवत जी में बैठकर हम अपने मन को पवित्र करते हैं, अपनी बुद्धि को पवित्र करते हैं। और गुरुदेव कहते हैं कि भागवत जी कोई साधारण बात नहीं है। कल आपने श्रवण किया था कि भागवत जी कोई साधारण पुस्तक नहीं है, और ये भागवत जी का जो पंडाल होता है ये कोई साधारण पंडाल भी नहीं होता। इसको एक नाम देते हैं, वो कहते हैं एक ऑपरेशन थिएटर है। जैसे वो ऑपरेशन थिएटर होता है, तो ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है, ऑपरेशन होता है सभी जानते हैं, लेकिन ऑपरेशन जहां तक आपका ब्रेन है, जहां तक आपकी बुद्धि है, उसी का होता है जो दिमाग है। लेकिन भागवत जी का पंडाल में बैठकर यहां ऑपरेशन किस चीज का होता है, यहां ऑपरेशन आपके विचारों का होता है। आपके बुद्धि में जो विचार चल रहे हैं हमें उन विचारों को ही बदलना है, क्योंकि उन विचारों से ही हम पाप और पुण्य करते हैं। आज द्वितीय कथा दिवस की कथा में आप प्रवेश करेंगे और श्रवण करेंगे किस तरह से